बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जॉब्स एजुकेशन न्यूज़ में उशांति, मैं आप लोगों के पास एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला चुका हूं, और वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पेशावर हाई कोर्ट और उसके मुलहका बेंचों के लिए रेड कज लिस्ट का एलामिया जारी कर दिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। द कंप्यूटिंग अथॉरिटी हैज़ बीन प्लेस टू डायरेक्ट दैट Hence, for family court matters, rent matters, correction in age matter involving in simple and short question, and all matter prior to 2018 shall be categorized as red card list, and according to a red card list, be separately prepared for each bench, in addition to the regular and supplementary card cases. So, dosto, the competent authority has further been pleased. Direct that at least 5 red cases shall be enlisted in red card list with the following noted on the list. तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन उसने दे दिए हैं। The cases on the red card list shall be taken up before the regular and supplementary card list. बी पे है, no adjournment on any ground will be granted except in rare extreme exigency, in that eventually the case will be adjourned by the court itself to the following day, and no cause for not more than 3 days. So dosto, by order of honorable chief justice Khwaja Wajihuddin registrar ne 27/2/2021 को ये एलामिया जारी कर दी है। तो दोस्तों फैमिली केसेस समेत मामूली नौयत के मुकदमात फौरी निपटाने का फैसला, खाना हांगी किरायों उम्र में दुरुस्तगी और दीगर मुकदमात निपटाने के लिए रेड कार्ड लिस्ट के नाम से नई लिस्ट जारी होगी। रेड कार्ड लिस्ट में रोज़ाना 5 से 6 मुकदमात की समाअत होगी, बिलावाजिब मुकदमात की समाअत मुलतवी नहीं होगी। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा फैमिली केसेस करायों और दीगर मामूली नौयत के मुकदमात फौरी निपटाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए रेड कार्ड लिस्ट के नाम से नई लिस्ट जारी की जाएगी। इस ज़मन में पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ख्वाजा वजीउद्दीन ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान के अहकाम की रोशनी में 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर समाअत फैमिली केसेस किराया उम्र में दुरुस्तगी और दीगर मामूली नौयत के मुकदमात को निपटाने के लिए रेड कार्ड लिस्ट के नाम से नई लिस्ट जारी की जाएगी, और ये हर बेंच के लिए तैयार की जाएगी। रेड कार्ड लिस्ट में रोज़ाना 5 से 6 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, जिसमें बग़ैर किसी माकूल या बड़ी वजह एडजर्मेंट नहीं दी जाएगी। दोस्तों एडजर्मेंट का मतलब है दरख्वास्त तब्दीली कि मेरी डेट चेंज की जाए, और एडजर्मेंट की सूरत में मुतालिक केस पर दोबारा समाअत के लिए 3 रोज से ज़ाय की तारीख नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये भी कहता है कि अगर कोई किसी वकील को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उसको 3 दिन के बाद डायरेक्ट अदालत में तारीख दी जाएगी। एलानिया के मुताबिक रेड कार्ड लिस्ट के केसेस आम केस और सप्लीमेंट्री लिस्ट से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। दोस्तों ये टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, मोशन केसेस से भी आगे ये लगाए जाएंगे। एलानिया पर फौरी अमल दरामद के अहकाम दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह इंफॉर्मेटिव एजुकेशन और जॉब्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।